उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के तत्वाधान में प्रिसीजन मेडिसिन पर कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। उन्होंने चिकित्सा विश्वविद्यालय में संसाधनों की कमी नहीं होने का भरोसा दिया। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल संस्थान है। यहाँ आईसीयू से लेकर क्रिटिकल केयर मेडिसिन की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें गंभीर मरीजों को भर्ती कर उनकी जिंदगी बचाई जा रही है। डॉक्टर जन उपयोगी शोध करें, नई तकनीक अपनाएं, इसके लिए संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। वहीं सरकार हर स्तर पर KGMU की मदद करेगी। लखनऊ से संवाददाता रशीद अलवी की रिपोर्ट। सरकार की तरफ से आपको भरोसा दिलाते हैं कि केजीएमयू को आगे बढ़ाने में कहीं भी कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी संसाधनों की। आप सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसे ऐसे जो नित नए दुनिया में रिसर्च हो रहे हैं, नित नए आविष्कार, और आईसीयू में सीसीएम में जो जिंदगी मौत से हमारे मरीज लड़ रहे हैं, उनको और बेहतर कैसे हम सुविधाएं दे सकते हैं। पुणे में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रोफेसर जीन लुइस उद्बोधन दिया, अपने पेपर्स आप सबके समक्ष रखे। आपके मार्गदर्शन से जरूर हम लोगों को नई जानकारियां मिलेंगी, जिससे हम और बेहतर कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।